है ये आप लोग चेक कर सकते हैं, प्रॉपर ऐसे लग रहा है रियल जख्म है। ठीक है, ये तो सोची नहीं है क्या इस प्रैंक के बाद तो लगे पता ये प्रैंक है, वो सच में शीशा मार दे। ये मुझे नहीं पता कि उसका क्या रिएक्शन होने वाला, मेरे सर पे शीशा टूटेगा प्रैंक के बाद या प्रैंक से पहले उसका दिल बंद होगा। तो फाइनली हम प्लान को एग्जीक्यूट करने लगे हैं, नंगे पांव में टार्जन बन के बैठ सो गई हूं। ये वो शीशा है जो मैं एक्चुअल में तोड़ूंगी, आवाज आएगी। ठीक है, ये मजाक है कोई यार? घर का ध्यान से नीचे शीशे खुले बड़े। असल में भी शीशे टूट गए हैं थोड़ा। कौन है? सॉरी यार, ऐसे नहीं करना चाहिए था वैसे। गंदा की कसम। तो फिर कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? ऐसे नहीं तो कैसे करना चाहिए था? आप लोगों भी इसको कुछ कहने को जाए उसके साथ सब कुछ हो। मतलब यार तो हमने तो कहा था चेक करो। चेक करो। अरे मेरी बात तो सुने यार, देखे कैमरा ऑन है, लोगों ने मुझे कहा था कि अरीब के साथ ये प्रैंक करें, इतने देर से नहीं किया। ये देखें इनको जवाब दे, मुझे नहीं ये कोई मजाक ही करने वाला है। लोगों को कहना कि उन्होंने मजाक, दिमाग खराब हो गया, मुझे लगा था क्या हो गया, अल्लाह माफ करे यार, बंद करो इसको। अच्छा मेरी बात सुने यार, सॉरी अरीब यार, सॉरी ना, मैं आपको BTS दिखाऊंगी, कितना फन किया हम लोगों ने इसको बनाने में। अरीब सॉरी, आइंदा नहीं। मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, मुझे डर लग गया था यार। आप मेरे साथ जा मिलते भाई, दूसरे वाले भाई मेरे साथ जा। चलो ठीक है, मेरी गलती है, मैं माजरत खाऊ आप सब लोगों के सामने, मैं रीत से माफी मांगती हूँ। क्या लगा है? ये समाध लाई गई कैचअप है, असली लग रहा है ना कैचअप। देखें ऐसे लग रहा है ना जैसे ब्लड क्लॉट्स भी बनाए हैं प्रॉपर। अल्लाह माफ करे, कोई मसले में मुझे यकीन ही नहीं आना कभी। अच्छा सॉरी, आइंदा नहीं, अल्लाह ताला मुझे ऐसे मसले में कभी ना डालना, मैं माजरत खाऊंगा। गाइस आप लोगों की भरपूर फरमाइश में मैंने एक बहुत ही सीरियस वाला प्रैंक कर दिया था अरीब के साथ, जो मेरे पे बहुत उल्टा पड़ गया यार। अरीब नाराज हो गया मेरे से, मैं क्या करूँ यार, मैंने नहीं आइंदा करना कोई भी प्रैंक। अच्छा सॉरी नारी, ऊपर से पूरे घर को अपने साथ मिला लेती है, तुम लोगों ने मना नहीं किया उसको है? अरे वो मना किया, रियल प्रैंक कर सकते हैं तो हम रेड हो जाए। अरीब ये सुबह टूट चुका हुआ था, मेरे होने पे नहीं टूटा, मैंने स्पेशल कंटेंट के लिए नहीं तोड़ा, ये परेशानी हुआ। ये बाय फेंक दिया हुआ था कि सुबह टूटा हमारे समझे सोए हुए। टूटा कैसे शीशा? ये पता नहीं, भाई अल्लाह बच्चों को अल्लाह रहम करे, लेकिन बच्चे शुक्र है उनको तो नहीं लगा किसी को। तो गाइज अब मैं जरा कैमरा बंद करके अरीब साहब को जरा मना लूं, मैं पसीने निकल आए। अल्लाह आप लोग ऐसे कमेंट ना किया, ये चीजें अच्छी होती है। चेक कर रहे हैं आप, ये देख रहे हैं पूरी देवदास की पूरी संजय लीला भंसाली का सेटअप बना हुआ। ये सेटअप जो है ना, जिसे इसने मिलके किया ना, वो सारे साफ भी करें। अभी इसकी सफाई करनी। अल्लाह मैं तो भूल गई थी कि सफाई भी होनी है। भाई आप बहुत जल्दी बदलते हैं,
एक मिनट मैं जरा ये चीजें वगैरह अरे सॉरी ना मैं जरा अपने हस्बैंड को मना के आई उसको हर साल वॉश करती हूँ उनको बनाती हूँ फिर ब्लॉग स्टार्ट दोबारा करते भी कैमरा बंद करी। प्रैंक इतना भारी पड़ गया कि मेरे हस्बैंड साहब अभी तक जो है वो नाराज हैं। मैंने अपना हाथ वॉश कर लिया था, ये निशान पड़ गया हाथ पे जो है वो टिंट का, और अब जो है वो बारी है सफाई करने की, सामान वाला मवाद मंगवा लिया। ठीक है तो अब हमने जैसे खलारा डाला था वैसे ही हम इस खलारे को जो है ना वो समेटने वाले हैं क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा कचरा हो गया। ठीक है